क्या आपको गुड़ का चाय पीना पसंद है? क्या आप अगर घर पे गुड़ का चाय बनाते हैं तो वो फट जाता है? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुड़ का चाय बनाने की ऐसी रेसिपी, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका चाय कभी भी नहीं फटेगा, 100% गारंटी। तो वीडियो को देखिएगा पूरा एंड तक, ताकि आपको वो ट्रिक पता चले जिससे आपका गुड़ का चाय कभी भी नहीं फटेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपाली और आर क्राउन रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं और एक आसान और स्वादिष्ट रेसिपी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। गुड़ की चाय बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप पानी, और फिर हम इसी कप से मेजर करेंगे दूध। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप फुल फैट मिल्क। अगर आप यहाँ पे दूध की मात्रा यानी कि मिल्क की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो आप पानी की मात्रा कम कर दें। और फिर यहाँ पे मैंने मिलाई है 2 चम्मच चाय पत्ती, और फिर यहाँ पे मैंने लिया है अदरक और इलायची। आपको जो भी फ्लेवर पसंद आप वही ऐड करें। तो यहाँ पे मैं मिलाऊंगी अदरक, तो अदरक को हम इसमें थोड़ा सा पीस के डालेंगे, जिससे अदरक का फ्लेवर जो होता है वो चाय में अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब हम इस सभी सामग्री को अच्छे से उबलने देंगे, इसमें एकदम बढ़िया सा उबाल आने देना है, और फिर गैस की फ्लेम लो करके इसको अच्छे से उबाल लेना है। तो ये देखिए, ये एकदम अच्छे से उबल रहा है। चाय पत्ती का जो कलर है वो इसमें पूरा उतर जाना चाहिए, और जो हमने इसमें दूध मिलाया है उसको हमने पहले अच्छे से बॉईल कर लिया था, और फिर ही हम इसको चाय में मिलाएंगे। इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि गुड़ की चाय बनाते समय दूध जो है उसको अच्छे से पहले उबाल लीजिएगा और बाद में ही चाय में मिलाइएगा, जिससे आपका चाय बढ़िया स्वाद वाला बनेगा और फटेगा भी नहीं। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। तो यहाँ पे मैंने लिया है लगभग 2 चम्मच गुड़। तो इसमें गुड़ डालने का जो तरीका होता है वो आप ध्यान करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम लो करी है, और फिर यहाँ पे मैं डालूँगी इसमें गुड़। जैसे ही हम इसमें गुड़ डालेंगे उसी समय फटाफट से इसको चम्मच से एकदम मिक्स करते रहना है, और गैस को तुरंत बंद कर देना है। अगर आप गैस को चालू रखेंगे तो आपकी चाय फट जाएगी। जैसे ही गुड़ डालेंगे फटाफट से मिक्स करना शुरू करें और गैस को बंद कर दें। इसी तरीके से बनाइएगा। और गुड़ को अगर आप पीस के या कद्दूकस करके डालेंगे तो एकदम आसानी से वो चाय में मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया, और इसे फटाफट से गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने बनाई गुड़ की चाय, बिल्कुल भी फटी नहीं है, स्वाद भी सही बना है, और गुड़ अच्छे से मेल्ट हुआ है। तो अगर आप ये ट्रिक फॉलो करके चाय बनाएंगे तो आपकी चाय ऐसी ही बनेगी, बिना फटे स्वादिष्ट गुड़ की चाय। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल आर क्राउन रेसिपीज़, और साथ ही में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार ऐसी ही और एक नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू माय फ्रेंड।